जिंदगी च हमेशा लालच नहीं करना चाहिए। मैं हकीकत जिंदगी च लालच कदे नहीं किया है ते ना अगो इंशाल्लाह करांगे भी नहीं। ठीक अल्लाह इन्नी कु हदायत दे कि लालच नहीं कदे करांगे। तो तुहां भी नहीं भरावा करना। तुहानू एक सीधी जी कहानी सुनाना। एक ही मौलवी उहदे कोल बड़ा माल रुपया ही चंगा कोठी बंगला ही गड्डी ही चंगा खांदा पीता मौलवी ही। अल्लाह ने कुछ दिन उहदे ते असरां लिया दित्ते कि उह तबाह बर्बाद हो गया। जो उहदे कोल माल ही सब फना हो गया जो भी है ही सब मिट मुट गया। मौल को चंद रुपये रह गए हैं। मौलवी ने सोचा कि मौलवी कहिंदा मेरे को थोड़े के रुपये रह गए ने क्यों ना हुण अल्लाह दी जै ना अल्लाह दा घर वेख आईए पता नहीं ए भी माल रहना कि नहीं कोल। मौलवी तुर पिया मदीना दी साइड ते। जो मदीना जाके पहुँच गया ना मक्का जा को एक दिन दो दिन ठहरे है रेस्ट उन्हें की है। जो उन्हें ना उमरे वास्ते जाना ही ना उन्हें ना एहराम बनया बन के तैयार हो गया। जो मौलवी गया ना खाना काबे दे कोल सातों ने चक्कर लाने हैं दो ने चक्कर लाए। जो दूसरा ने चक्कर ला के ना तो दूसरा चक्कर उन्हें मुकम्मल किया कोल आया तो उसके सामने ना सोने का हार वो वेखे दिल च ना लालच आ गया मौलवी के दिल च। उन्हें आख्या लै बई मेरे को रुपया भी कोई नहीं मैं अगे भी बड़ा गरीब हो गया क्यों ना हार चुक के तो लैया पिंड। जो उन्हें फरिया ना तो जमीर बोलिया ऐ तू कम नहीं कर आया इतने ठीक है इतने तू उमरा कर आया ऐ तू कम इतने नहीं करना तो ना कदम जिंदगी करना। वह जमीर जाग पिया। जो बंदे का समझो कि जमीर है ना तो समझो कि बंदा हर ची हर बुरी शह तो बच जाता है। जो बंद जमीर मर जाए ना ठीक है हर बुरा काम उहदे च हो जांदा है। जो जमीर मौलवी की जमीर इजाजत देने लग पे कि नहीं यार यह काम नहीं करना और मौलवी ने हार चुकिया उन्हें तां कीता उन्हें आखिया यह किसी सोने का हार है वे किसी का अगर किसी का सोने का हार गुआचिया है तो मेरे को लै सकता है। एक उत्थे नबीना बैठा ही रेहड़ी दे उन्हें आखिया उन्हें अपनी ना झोली वेख ला पिया उन्हें आख्या झोली च नहीं है उन्हें आख्या मेरा ही डिगया। उन्हें उच्ची आवाज ला दी कि हार मेरा है। वह मौलवी को गया उन्हें आख्या लो जी वह वेख्या अखा तो नबीना ने ठीक वो झोली च आ गया हार वो दिल में ना मौलवी के दिल में सुकून मिलया इतमान मिलया उन्हें सत चक्कर पूरे किए उन्हें उमरा किया। मौलवी जो पिंड आन लगा ना उन्हें आख्या मेरे को रुपया धेला कोई नहीं है चलो फिर ऐसा सफर करना पैदल आ गया। पैदल आता ही पैदा ये ना पिंडों बार वाली साइड ते ही आइए एक दो तीन पिंड पिछे ही मौलवी अपने पिंड तो ना दो तीन पिंड पिछे ही राह जाता पाया तो असर का टाइम हो गया ही उन्हें नमाज पढ़नी तो राह इन्हों मस्जिद मिल पई मस्जिद गया उन्हें वजू किया तो दाढ़ी रखी मौलवी ने वजू किया तो उन्हें सुंदा चार पढ़िया सुंदा पढ़ के तो बह रहा पिछे उन्हें आख यार मौलवी आएगा जमात खुलेगी तो मैं पढ़ लाँगा। चंद बंदे ना बैठे हैं पहला उन्हें आख्या यार मौलवी तो है मौलवी नू कहनी आ सानू नमाज पढ़ाए। मौलवी के कोल गए कहते ने मौलवी जी साडा पिंड दा जिहड़ा काड़ी है ना वह तो हो गया फोत तो क्यों ना उस जगह पर तुम अज नमाज पढ़ाओ। उन्हें आख्या कोई गल नहीं मैं भी मौलवी हाँ अलहमदुल्ला मैं पढ़ाना। वह गया सफते नमाज उन्हें खिलारी नमाज पढ़ के दुआ शुआ मंगी अजे दुआ शुआ मंगी तो वो जे पिछे बजुर्ग कुछ पांच छे उस पिंड बैठे हैं उन्होंने सोचा कि यार बंदे का अखलाक भी अच्छा है बंदे का किरदार भी ठीक है किरदार चलो बंदा पता पुता करवा लैंदा अखलाक तो ठीक है बोलता चालता भी अच्छा है ठीक है बंदे का मजाज जे ना बंदे का मजाज उन्हें चेक किया बंदे का मजाज अच्छा उन्हें पिंड ने सलाह की कि यार इस मौलवी ना पिंड च रख लीए क्योंकि कारी जरा ना साडा वो तो फोत हो गया। उन्होंने कारी ने पूछा कि यार क्यों ना तू साडे इमाम मस्जिद बन जा क्योंकि साडा पिंड वाला जरा कारी है ना वह हो गया फोत। उन्हें आख्या उन्हें सोचा उन्हें आख्या यार मेरे को जरिया कोई नहीं है पैसे कमाता चलो अल्लाह ने जरिया देख रहा वह खुश उन्हें आख्या कोई गल नहीं अलहमदुल्ला मैं नमाज पढ़ावा करा पंज वक्त की तुम मैं तनखा देख रहा करो। उन्हें आख्या ठीक है तनखा डन हो गया सौदा उन्हों का उत्थे नमाजा पढ़ाए
अगले दिन ना फिर बंद ने कट्ठ किया, उन्हें आख्या यार मौलवी तो हो गया फौत, ओरी कोठी जाके तू रह लिया कर। उन्हें आख्या ठीक है कोई गल नहीं, मैं उत्थे जाके रह पाँगा। उत्थे रहन लग पिया ते चंद दिनों बाद ना फिर पिंड वाले कट्ठ किया, सलाह की कि यार मौलवी दी ना मौलवी का विह कर छड़ीए, क्योंकि मौलवी की कुड़ी ही जवान है, चलो विह कर छे तो उस घर च रे करेगा। उन्हें आख्या चलो आपे मौलवी सुबह आता ना तो उन्होंने वो सलाह कर लें, वो सलाह कर लें तो जो जिस तरह वह चाहे उस तरह ही कर लाँगे। अगर उन्होंने फजर की नमाज पढ़ी तो बैठे मौलवी, उन्हें आख्या मौलवी साहब जी शादीशुदा वो? उन्हें आख्या नहीं मैं एक बार आवा। उन्हें आख्या तुम्हें एक चंगी जी सलाह देिए? उन्हें आख्या कोई गल नहीं दवो। उन्हें आख्या मौलवी जी जरा सा पिंड का पहला मौलवी ही ना वो कोठी ठीक है, कोठी वो जेना साढ़े पिंड का जेना ना मौलवी हो गया फौत, वो कुड़ी जिस कोठी जाके रही है ना उस कोठी ची कुी रही है, तो क्यों ना तुम शादी कर लो तो उस घर च ही रो करोगे उस घर च जिंदगी बसर करोगे। उन्हें आख कोई गल नहीं। अगले दिन निकाह हो गया, मौलवी उस घर रहन लग पाया। मौलवी जो अजे पहले दिन ही निकाह हो गया ठीक, पहला दिन ही उन्हें जा कुंडी खोली, बुढ़ी को जाके बैठा मौलवी। उन्हें ना जो दुपट्टा चुकिया ना बुढ़ी के मूँह तो उस कुड़ी ने ना उ सोने का हार पाया। उन्हें मौलवी हैरान हो गया, उन्हें आख्या कि उन्हें कोई सवाल नहीं पूछा, वह नाम भी नहीं उन्हें पूछा। उन्हें सब तो पहले ही सवाल यह किया कि यह तेन हार कितों मिले है? उन्हें आख्या तू किस तरह जानना इस हार? मौलवी ने अपने वाक्य सुनाया कि ऐसा ऐसा मैं मिलया, तो ऐसा तो मैं देख रहा एक बजुर्ग हाँ नबीना हम तो मैं देख रहा मदीने के। मौलवी ने सवाल किया कि तेरे को किस तरह आया? जेरे नबीने तह हार दिता ही वह मेरे वाले साहब हैं, वो मदीना च फौत हो गए ने, उन्होंने ना मैनू हार विरासत दिता है, तो उन्होंने आख्या कि जोड़ा ढाडा शोहर होएगा ना तू हार देना। वो खुश हो गया एक सैर तो ना परेशान है, इन्हें आख्या की होया मेरे ना माजरा, एक पास खुश एक वेखो अल्लाह ने ना उन्हू मौलवी ने लालच नहीं ना किया, उन्हें हार देख रहा नबीने वेखो अल्लाह ने जरिया बना रहा उ हार अल्लाह ने उस किस्मत की बजाए। मौलवी ने ना जो हार देख रहा ना नबीने अल्लाह ने उदी भी दवा कबूल कर ली, मौलवी की दवा कबूल हो गई, नबीने की भी हो गई। नबीने ने आख्या है कि या अल्लाह जी मेरी बेटी है ना उन्हू अच्छा शोहर दई, अच्छा उन्होंने शोहर मिल गया, मौलवी रिजक मिल गया, उसकी तनखाह लग गई मस्जिद च, उस तो बाद हार भी मिल गया। अल्लाह ने ना वल पा के वेखो हार फिर उस मौलवी मिल गया, अल्लाह ने ना उस मौलवी फिर देख रहा हार, वेखो कैसे अल्लाह के रंग ने। ते मेरा असल मकसद गल करन दा ही कि जिंदगी च ना लालच कदे भी ना करो, लालच जड़ी है ना रिश्ते नाते दोस्त भैन भ्रा माँ प्यो सब छड़ा हर देने। ताड़े वास्ते यही मैं एक पैगाम लैके आया कि जिंदगी च लालच ना करो। मेरा असल मकसद कहानी सुनाने का भी यही ही कि कदे भी जिंदगी च लालच ना करियो।